देखो जी जनवरी का सबसे स्मार्ट साउंड मुरादाबाद के PWD गेस्ट हाउस में मुरादाबाद जर्नलिस्ट क्लब की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें क्लब के आगे के कार्यों पर चर्चा की गई। तो वहीं बताया गया कि किस तरह से संगठन के सभी सदस्यों को आपस में एक बनाकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए। बैठक में संगठन अध्यक्ष भुवन चंद्र ने पत्रकारों को होने वाली समस्या के बारे में विचार मंथन किया एवं ग्रुप की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए सभी से संगठन के उज्ज्वल भविष्य के लिए अपने कार्य के प्रति आगे बढ़कर सभी की मेहनत एवं संगठन के प्रति अपने कार्यों को पूर्ण निष्ठा के साथ करने पर जोर दिया गया। बैठक में संगठन अध्यक्ष भुवन चंद्र, राजेश शर्मा, नितेश त्रिवेदी, सुधीर मिश्रा, सुशील सिंह, मोहम्मद इमरान, संजय मणि त्रिपाठी, अंकित शर्मा, गोविंद पाल, अभिनाश शशिपाल चौहान, कासिफ खान, डॉक्टर अविनाश शशिपाल चौहान, कासिफ खान, डॉक्टर कौशल अली, आकाश पंडित, राजू सैनी, अंजलि चौहान आदि पत्रकार उपस्थित रहे। साफ होनी चाहिए कि इनका पैसा किसने लिया। स्मार्ट साउंड आजी बैठक बुलाने का मेन उद्देश्य ये है कि मुझे ये लगता है कि हम लोग ना तो कुछ सकारात्मक कर पा रहे हैं और तब तक हम लोग जिस बात के लिए दूसरे संगठन और पलकों को ठोका करते थे या उनके बारे में बात करते थे वही बात आज हम लोग मीटिंग हुई। क्या रहा मतलब का मुद्दा क्या रहा? आज हमारे नए वर्ष के साल पर मुरादाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पहली मीटिंग हुई है और इस पर हमारे जो सबसे हमारे अध्यक्ष जी हैं उन्होंने सबसे पहले साल की पहली ही मीटिंग में हमें एक सौगात दी है कि हमारा जो मुरादाबाद जर्नलिस्ट एसोसिएशन क्लब था उसका विधिवत रजिस्ट्रेशन हो गया है। इसके लिए उन्होंने सभी साथियों को बधाई दी है। संगठन में आगे क्या कार्यप्रणाली रहेगी और क्या हम लोग कैसे अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य करेंगे इस संबंध में सभी साथियों से चर्चा की गई है और बहुत जल्द हम लोग इस संबंध में एक शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन करने जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद सभी को 9 साल की बधाई। साथी पत्रकार ने क्या विचार रखे हैं? साथियों ने अपने विचार संगठन कैसे मजबूत किया जाए आईडी कार्ड को लेकर और सदस्यता शुल्क को लेकर कैसे संगठन में नए लोगों को जोड़ा जाए उनकी क्या प्रक्रिया रहेगी क्या हम लोगों का मूल संविधान है जो संगठन का उसके बारे में जानकारी दी। गणतंत्र दिवस पे क्या करने का प्रोग्राम रहा? गणतंत्र दिवस पे लेकर अभी अध्यक्ष जी इस पर अग्रिम मीटिंग बुलाया है और संभवतः जो भी कार्यक्रम होगा वो सबको अवगत कराया जाएगा। Smart Sound.